हेलो दोस्तों, जिस शहर में मैं हूँ अभी, रशिया की राजधानी मॉस्को में, तो मैं जब से दोस्तों यहाँ पे आया हूँ, मैंने आज तक कोई भी गाय भैंस भैंस तो शायद होती भी होंगी या नहीं, इस कंट्री में कोई भी आवारा जानवर या कोई आवारा कुत्ता, जैसे कि स्ट्रीट डॉग होते हैं, कोई भी मैंने जानवर यहाँ आवारा घूमता नहीं देखा। तो इसी के बीच दोस्तों, जब भी मैं पार्क में घूमने जाता था, तो मैं देखता था वहाँ कुछ घुड़सवारी करते हुए बच्चों को। तो मेरे मन में ख्याल आता था कि इस शहर में ये इस घोड़ों को रखते कहाँ पे होंगे। तो आज मैं घूमता घूमता बाई चांस यहाँ पे जा पहुँचा। तो दोस्तों, इस वीडियो में चलिए कुछ झलकियाँ देखते हैं कि ये घोड़ा पालन कैसे करते हैं और कहाँ इन घोड़ों को रखा जाता है। सवाल तो दोस्तों बहुत सारे थे इनसे जो मैं पूछना चाहता था, लेकिन जो भाषा हमारे अड़े आ गई, जो कि मैं इनसे बहुत सी बातें कर नहीं पाया। यहाँ पे ये इनके जो है छोटे से घर बनाए हुए हैं। दोस्तों ये है इनकी घोड़ों को सर्दियों में रखने के लिए जगह। यहाँ पर भी एक घोड़ा है छोटा सा, ये देखिए। ये इनके सामान है जो घोड़ों में यूज करते हैं, ये देखिए यहाँ पे भी है। इनको सर्दियों में यहाँ पे रखा जाता है। तो कुछ चूहे भी हैं यहाँ पे। ये घोड़ों का नाम लिखा हुआ है इनकी। मुझे तो इतनी रशियन पढ़नी नहीं आती।
दोस्तों ये यूज होती हैं यहाँ पे। सिक्योरिटी ऑल्सो है। तो मैं बता रहा था दोस्तों, ये जो ट्रॉलियां जो दिखाई दे रही हैं, ये घोड़ों को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए यूज होती है, क्योंकि कहीं पे दूर ले जाना है या मेरे ख्याल से कहीं डॉक्टर के पास लेके जाना है, तो इनको जो है चढ़ाकर तब ले जाया जाता है, क्योंकि रोड पे ले जाना मुश्किल है। तो अगर मैं इनके कमाई के जरिए के बारे में बात करूं, तो ये घोड़े पालन से ही जो है ये कमाते हैं। यहाँ पे पीछे फॉरेस्ट में ये छोटे छोटे बच्चों को या बड़े जो भी राइड लेना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं इन घोड़ों पे, तो ये उनको घुमाते हैं। 200, 400, 500 जितने आप लंबा घूमना चाहें, जितनी देर तक आप घूमना चाहें, उस हिसाब से जो है ये चार्ज करते हैं इनका जो है रेट। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। ऐसी और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो ये मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था इस शहर में आने के बाद। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।